हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड गाइस। सो नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, मैं हो चुकी हूँ उठ के रेडी एंड सुबह 6 o'clock का टाइम है एंड द वेदर इज़ टू गुड। चलो मैं आपको सबसे पहले से वेदर दिखा दूँ। देखो गाइस, जयपुर का वेदर और यहाँ पे तो थोड़ा सा ना मतलब माउंटेंस माउंटेंस है, तो बहुत प्यारा सा वेदर लगता है। तो आज हम जा रहे हैं, आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा, हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम जी। जी हाँ, सो बाबा के जा रहे हैं। तो फटाफट से हम रेडी हो चुके हैं, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, भाभी भी आ चुकी है बच्चों को लेके, एंड बस मैं, पापा, भाभी और बच्चे जा रहे हैं पार्किंग में। उसके बाद ये देखो, भाभी आराम से अपनी वीडियो बना रही थी और मेरी भी वीडियो साथ साथ शूट कर रही थी। तो बस हम खाटू श्याम जी पहुँच चुके हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर गाइज इतना शांति मिलती है आकर, मतलब उस दिन तो हमें सीरियसली बहुत बारिश भी मिली थी और मेरे पैर में उस समय लगी हुई थी थोड़ी सी, क्यों लगी हुई थी, थोड़ा सा सेप्टिक वेप्टिक हो गया था तो लगी हुई थी, और बारिश ने मिलकर मेरा कर दिया था काम ख़राब। जो मुझे टेंशन हो रही थी वो मेरी भर चुकी थी। यहाँ पर हमने तिलक लगवा लिया था खाटू श्याम जी के, तो उसके बाद हम चलेंगे अंदर। बहुत रश था बट थैंक गॉड हमारा नंबर जल्दी आ गया था, तो यहाँ पर थोड़े से तिलक लगाते हैं और चलते हैं अंदर। चलो अब चलते हैं अंदर। यहाँ पे लेते हैं सबसे पहले बाबा जी के लिए पंजीरी, क्योंकि खाटू श्याम जी सबसे ज़्यादा पंजीरी शौक से खाते थे, तो यहाँ पे हमने पंजीरी का प्रसाद ले लिया है। एंड वेदर तो आपको देख के पता चल रहा होगा, मेरे कपड़े भी थोड़े से मतलब हवा से उड़ रहे हैं, क्योंकि इतना अच्छा वेदर था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, प्लस साथ साथ बारिश भी थोड़ी थोड़ी सी आ रही थी। तो चलो अंदर चलते हैं बाबा के दर्शन के लिए। देखो आप देख सकते हो इतना रश है, पीछे सारा फुल है, वरना कई बार आओ तो इतना फुल नहीं होता, बट इस समय पता नहीं क्योंकि छुट्टियाँ चल रही थी, समझ सीजन चल रहा था, मॉनसून भी थोड़ा सा जल्दी आ रहा था, तो बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़। आफ्टर डैट चलो हम चल आ चुके हैं अंदर और करते हैं अच्छी तरह बाबा के दर्शन, और मैं आप लोगों को भी करवाती हूँ बाबा के दर्शन। इतनी दूर से आने के बाद इतने अच्छे दर्शन हो जाना, तो सफल हो जाता है आना, और भगवान का ऐसे ही होता है, उनके लिए सारे भक्त एक जैसे होते हैं, तो बहुत अच्छे दर्शन होते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे हुए। एंड बस बाहर आए तो बच्चे शुरू हो गए, हमें ये खाना है, वो खाना है, ये लेना है, वो लेना है, तो हमने यहाँ के गोलगप्पे ट्राई किए, अगर आपने नहीं किए तो प्लीज़ करना, बहुत टेस्टी थे। एंड ये है श्याम कुंड, जी हाँ, जिसने स्नान करना होता है वो यहाँ पर आकर स्नान भी कर सकते हैं श्याम कुंड में। तो मैंने भी फर्स्ट टाइम आई थी वाले कुंड देखने, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। श्याम कुंड बहुत सुना था मैंने श्याम जी के कुंड के बारे में, बट कभी देखा नहीं था, तो इस बार हमने सोचा था अगर जाएंगे तो एक बार नज़र मारेंगे। आफ्टर हमने रास्ते में से निकल चुके, यहाँ पे लिए बच्चों ने वाटरमेलन खाते खाते हम जा रहे थे घर, एंड घर फिर फाइनली मैं पहुंच चुकी थी होटल, एंड होटल की है ये वीडियो, एंड आप देख सकते हैं। उसके बाद घर जाकर हम लोगों ने किया बहुत इंजॉय, थोड़ी सी क्लिप्स एडिट कर रही हूँ मैं खाटू श्याम बाबा जी की। अगर आई होप आपको पसंद आएगी मेरी वीडियोज, मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं, टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।